7 जनवरी को नन्हेश्वर धाम की जलमग्न शिवलिंग के पंचामृत महाअभिषेक को लेकर तैयारियां जोरों पर। भगवानपुरा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नन्हेश्वर महादेव में 7 जनवरी को प्रदेश की अनोखी चमत्कारी महादेव की शिवलिंग का होगा पंचामृत से अभिषेक। इस दौरान दर्शन के लिए हजारों शिव भक्त नन्हेश्वर धाम पहुंचेंगे। भगवानपुरा मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर अति प्राचीन नन्हेश्वर धाम, जो कि ऋषि मार्कंडेय की तपोस्थली होने के साथ ही यहाँ अद्भुत श्री हाटकेश्वर महादेव की शिवलिंग स्थापित है। बता दें कि यह पारद की शिवलिंग वर्ष भर जलमग्न रहती है। प्रतिवर्ष 7 जनवरी को बावड़ी से पानी निकालकर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। वर्ष में एक बार ही शिव भक्तों के लिए बावड़ी के पट खोले जाते हैं। मंदिर समिति से जुड़े वीरेंद्र शर्मा ने बताया, इस दिन हरिओम बाबा जी के सानिध्य में विशाल भंडारे का आयोजन भी होता है और हजारों की तादाद में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। फिलहाल आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बावड़ी को खाली करने के लिए पानी की मोटर इंजन का प्रयोग किया जाता है। इसमें रोचक तथ्य यह है कि बावड़ी में पानी वर्ष भर एक नियत स्थान तक ही सीमित रहता है। बावड़ी के अंदर 7 फीट तक पानी रहता है, उससे ऊपर भी नहीं और कम भी नहीं। इसके पीछे भी किंवदंती है कि 26 वर्ष पूर्व यह कुंड मिट्टी से भरा हुआ था, जिसकी सफाई श्री हरिओम बाबा ने करवाई थी, जिसमें यह चमत्कारिक शिवलिंग निकली थी। तब से प्रतिवर्ष उसी दिन 7 जनवरी को यह परंपरा चली आ रही है। 7 तारीख को जो मार्कंडेय भोलेनाथ का जो मंदिर है, जल में जो भोलेनाथ है, वो जल बाहर निकाला जाएगा, अभिषेक होगा, भंडारा होगा, बाहर बाहर के श्रद्धालु आएंगे काफ़ी मात्रा में। यहाँ पे कार्यक्रम चलेगा, भजन कीर्तन भी होंगे। हम यहाँ पे घूमने के हिसाब से आए थे। अभी 7 तारीख को यहाँ पे विशाल भंडारा होने जा रहा है। यहाँ पे जो भोलेनाथ है उनका जो कुंड बना हुआ है उसमें से जल खाली करेंगे और उसमें से जो भोलेनाथ की मूर्ति रखी हुई उसके स्पष्ट दर्शन होंगे। उस दिन आसपास के बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। ये मार्कंडेय जो ऋषि है उनकी तपोभूमि रही है। यहाँ पे 7 तारीख को मेला लगेगा, बहुत विशाल भव्य आयोजन किया जाएगा और यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं को यहाँ पे पेट भर के भोजन खिलाया जाएगा। ऋषि मुनि ने किया मतलब ये भूमिया एक आप है नी, 7 तारीख हाटकेश्वर को उद्घाटन हुए। यहाँ 7 तारीख कम से कम 40,000 पब्लिक इकट्ठी हुए। यहाँ पूजा हो, आबेक्ष हो, बावड़ी उपसाय सबका आराम से दर्शन हो। भूमि मुनि ने की तपस्या भूमि आया, अपना मार्कंडी ऋषि जी ने तपस्या करेल छे उनकी भूमि आ एका पर हाथ कई 40,000 पब्लिक इकट्ठी हो न सबको मतलब प्रसादी पेट भरी न सबको मिलग। भंडारा भी है कि भंडारो भी होएगा होना दिन। यहाँ मेड़ो भी भराएगा न सबको मतलब दर्शन भी सबका अच्छा होएगा। धीरे से 8 बजे तक बावड़ी तक को दर्शन करो। आप यहीं रहते हो? हाँ हाँ यहाँ रहो। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट भगवानपुरा। हमार की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।